मैं हूं शाहिद मुंबई से और ये एरिया है चेंबूर अजीज बाग। बहुत दिनों के बाद आया हूं वीडियो लेकर। पिछले महीने की 7 तारीख को पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी और किसी ने बड़ा पत्थर मार के कांच तोड़ दिया सामने का, बहुत बुरी तरह तोड़ा था। तो इसको क्लेम में डाला था मैंने गाड़ी को, और उन्होंने 16 दिन गाड़ी अपने पास रखा था। टाटा की सर्विस ऐसे ही होती है, बहुत लेट लपाट करते हैं। 16 दिन के बाद गाड़ी बना के दिया था कांच चेंज करके, लेकिन ब्रांड की जो फिनिशिंग होना चाहिए वो फिनिशिंग भी नहीं दिया। और गाड़ी मिलने के बाद भी मैंने गाड़ी चलाया नहीं था, खड़ी हुई थी। और जब मैंने आज निकाला गाड़ी तो गाड़ी में देखा कि अंदर पानी भरा हुआ है, तो समझ में नहीं आया। अभी जब बारिश शुरू हुई है तो मैं देख रहा हूँ कि पानी अंदर आ रहा है। अभी दिखाता हूँ कैसे। यानी एयर पैकिंग जो होती है विंडशील्ड की, वो सही से लगाया नहीं लोगों ने। कांच में जब पानी पड़ता है तो अंदर आता है पानी। जहाँ से मैं निकला था वो अजीज बाग था, और ये रिफाइनरी की रेलवे लाइन है, कच्चा और रिफाइन लाइन यहाँ से जाता है। देखो पानी आ रहा है, ये अभी बारिश में चलाया हूँ तो कहाँ से आ रहा है पानी देख सकते हो, क्योंकि लाइव नहीं देख। बाद में तुम पानी डाल के चेक करोगे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ से आ रहा है पानी विंडशील्ड से होते हुए अंदर और कारपेट के नीचे भर रहा है। ये वीडियो बनाकर मैंने सर्विस सेंटर वालों को व्हाट्सएप कर दिया, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे कि पानी अंदर कांच से तो नहीं जा सकता। तो मैंने वीडियो बना के दिखा दिया, कह रहे थे कि एसी का पानी ज़्यादा होएगा, एसी का पानी 2-3 लीटर अंदर भर जाएगा। 3 लीटर तो मैं निकाल चुका था जब गाड़ी उठाया था उससे पहले। इस सर्विस सेंटर वाले जल्दी मानते नहीं हैं, उनको यकीन हो जाता है कि उनकी गलती है लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं। तो मैंने प्रूफ के तौर पर वीडियो बना के दिखा दिया, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। टाटा की सर्विस वाकई में बदनाम है। कांच लगाने के बाद चेक नहीं किया उन्होंने, ऐसे गाड़ी पकड़ा दिया। चेक तो करना चाहिए, कितना भी कॉन्फिडेंस हो तुमको, एक बार वेरीफाई तो करो कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है, पानी तो नहीं जा रहा है। ये फ्रीवे ब्रिज है, सीधा चले जाएंगे तो माहौल गांव के लिए चले जाएंगे, सीधी रोड माहौल गांव के लिए जाती है। लेफ्ट टर्न मारेंगे तो आरके स्टूडियो, और राइट मारेंगे तो सीधा दाना बंदर। प्राइवेट रोड के ऊपर से निकाला है ये ब्रिज। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ आईमैक्स थिएटर का एरिया अंदर का, पहले कभी नहीं गया हूँ मैं, यानी वीडियो नहीं बनाया पहले कभी। आज वहाँ का एरिया दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरा टावर एरिया है और काफ़ी महंगा भी है। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है टावर,
ये सारे आईमैक्स थिएटर के अंदर का जो एरिया है उसका है। एरिया को भी आईमैक्स से ही कहते हैं। वैसे भक्ति पार्क एरिया का नाम है गवर्नमेंट की तरफ से, भक्ति पार्क। भक्ति पार्क स्टेशन भी है मोनोरेल का, आगे जब यहाँ से राइट मारेंगे उस वक्त मिलेगा। ये सीधा ब्रिज चला जाता है दाना मंत्र को, मैं नीचे उतर गया हूँ क्योंकि मुझे राइट मारना था, और ये घाटकों पर रोड चली जाती है, राइट वाली रोड घाटकों पर। मोशन डिटेक्टेड फॉर द व्हीकल अहेड। सामने मोनो जंक्शन के टावर नजर आ रहे हैं, वहां पर बहुत से बिल्डर घुसे हुए हैं, और राइट साइड में आईमैक्स के टावर। सामने लेफ्ट साइड में जो टावर नजर आ रहा है वो मोनोरेल जंक्शन है, बहुत बड़ा जंक्शन है, उस एरिया के टावर हैं, बहुत बड़ा एरिया है। और ये है भक्ति पार्क के स्टेशन, मोनोरेल स्टेशन। भक्ति पार्क के पीछे निकल गया है, लेकिन पूरा एरिया आईमैक्स कहलाता है, लोगों की जुबान में आईमैक्स। गाड़ी इतनी देर से खड़ी हुई थी तब ये कुछ नहीं बोली, तब जब गाड़ी आगे बढ़ी यानी हिली हरकत, तब इसको लगा कि आगे कोई गाड़ी है। ये है आईमैक्स का गेट, आईमैक्स थिएटर है, एक के अंदर तीन थिएटर हैं। और मुझे सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ कि ये एशिया के नंबर दो थिएटर है, और ये आईमैक्स वालों ने खुद ही बनाया था, क्योंकि ये पूरा दलदल था, खाली एरिया था, इसको खुदाई करके आईमैक्स थिएटर भी बनाया, और यहाँ की ज़मीन भी बिल्डरों के हाथ बेचा है, या बिल्डरों ने किससे खरीदा है पता नहीं। ये सामने थिएटर है, मैं आज तक अंदर नहीं गया हूँ, इसलिए इसकी सही जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगा। अक्सर बाहर से देखा हूँ मैं, क्योंकि जब फ्रीवे बना नहीं था तो मेरा आना जाना इधर से ही था डेली, और यहाँ के बिल्डरों में कत्ल बहुत होते हैं, यानी 4-5 साल से तो मैं इधर गया नहीं हूँ, करीब 7-8 साल हो गए। कभी कभी आता हूँ, रोज का आना जाना नहीं रहता, ये रास्ता ही नहीं पड़ती। जब फ्रीवे नहीं बना था तो यही रास्ता थी, इधर से ही जाते थे प्राइवेट रोड होते हुए बाइक से। फ्रीवे बन रहा था हमारे सामने, और काफी स्पीड में बना था, 2 साल में तैयार हो गया था। लेफ्ट साइड में अंदर बहुत अच्छा है, राइट में तो अभी बना है और बन रहा है, पूरा बना भी नहीं है, लेफ्ट साइड में बहुत पुराना है, अंदर गार्डन वगैरह सब है, काफ़ी महंगा है। 2008 में मैं इधर आया था सैंपल देखने, सैंपल तो अच्छा था, रेट भी बहुत सस्ता था उस वक्त, करोड़ के नीचे था, 90 लाख बताया था शायद।
दाई तरफ वाला टावर, इसका नाम लिखा हुआ है बाहर, रोड से दिखता है आइलैंड। पता नहीं क्या हिसाब से नाम रख दिया आइलैंड। लैंड तो खैर कॉपी किया गया है, आई का मतलब होता है एबीसीडी वाली आई। तो चढ़ा के फिर पैक करता हूँ, ऊपर तक चलता हूँ। जबरदस्त है ये, है आइलैंड टाइम वाला, और इसी ने ये रास्ता बनाया है निकलने के लिए। इसने रास्ता मिला दिया था उसमें, क्या बोलते हैं, फ्रीवे में। फ्रीवे वालों ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, उसने मिला के एंगल तोड़ दिया था ताकि यहाँ के लोग इधर से निकल जाए। फ्रीवे वालों ने शायद MMRDA का है, उन लोगों ने बंद कर दिया। ये लेफ्ट साइड में आइलैंड है, आई तो समझ में आता है, सीधा खंबा खड़ा कर दिया और काफी आसमान की तरफ लेते चले गए ऊंचाई तक। है पतला, दूर से तो पतला दिखता है, नीचे से काफी चौड़ा है, ऊपर कम करते चले गए ना। लेकिन लैंड आइलैंड लगा दिया, छोड़ो दफा करो। नीचे मार्केट बनाया है और काफी महंगी दुकानें हैं, दुकानों में सामान भी महंगा मिलता है। लेकिन एक बात है, स्पेशल सामान मिलता है सब, नंबर वन क्वालिटी। यानी जो चीज अगर आपको कहीं मिल नहीं रही है, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं मिलते, उसके लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ मिल जाते हैं। जैसे एयरविक या एयरविक का स्प्रे लिक्विड हर स्टोर वाला नहीं रखता है, खास करके मेडिकल स्टोर वाले रखते हैं, लेकिन सब लोग नहीं रखते। मैं तो चेंबूर और पूरे चेंबूर में तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ रहता हूँ वहाँ आशीर्वाद वगैरह में सब जगह देख लिया, नहीं मिला। संगम नगर देख लिया, कहीं नहीं मिला। वडाला में देख लिया, कहीं नहीं मिला। यहाँ मिल गया, एक बार खार चले गए थे, खार आना जाना है तो वहाँ से ले लिया, और ये करीब है तो फैक्ट्री से निकले ऑफिस से और सीधा इधर का रास्ता लिया और यहाँ से लेते चले गए। जो चीज़ नहीं मिलती है, कुछ स्पेशल चीज़ होती है जो हर जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पे अगर सब्जी तरकारी भी लेना हो तो सब नंबर वन क्वालिटी का मिलेगा, महंगा तो मिलता है लेकिन एक नंबर क्वालिटी होती है, क्योंकि सब पाउस एरिया है, टोटल पाउस एरिया है। तो यहाँ पे सस्ता सामान रखते नहीं है दुकान वाले, कोई ले गए नहीं सस्ता सामान। टावर एरिया है और झोपड़पट्टी में महंगा सामान कोई नहीं लेगा। यहाँ की क्वालिटी अगर झोपड़पट्टी में, संगम नगर की झोपड़पट्टी में दुकान वाले रखना शुरू करते हैं तो खराब हो जाएगा, रखे रखे एक्सपायर हो जाएगा, कोई लेगा ही नहीं, इतना महंगा कौन लेगा। इक्का दुक्का लोग ले लेते हैं, क्योंकि झोपड़पट्टी में भी बहुत कम लोग निकल ही आते हैं, पैसे वाले जो कि टावर वगैरह में जैसे देते हैं। कुछ लोग इतने पैसे वाले नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी जो चॉइस होती है ना, वो नंबर वन होती है, तो वो लोग पैसा खर्चा करते हैं। Thank you.
गाड़ी अगर एक गाड़ी की जगह हो पीछे तो कैसे पार्किंग की जाती बताता हूँ। सामने से लूंगा तो पार्किंग नहीं होगा। बार गलती हो गई तो फिर जल्दी सही नहीं होती है, वरना एक 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 टर्न में खड़ी कर लेता हूं गाड़ी में। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.